सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फटे हाथों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे बेहतरीन टिप्स बताऊंगी जिसका उपयोग करके आपके हाथ जो है बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे, जो फटे हैं रूखे सूखे हैं बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने फटी एड़ियों के बारे में तो बहुत ही सुना होगा, लेकिन फटी हाथ के बारे में बहुत ही कम सुना होगा, कम ही सुने होंगे, क्योंकि एड़ियां हमेशा चलने की वजह से, जैसे कि धूप में चलने की वजह से, गर्म चीज में पैर रखने की वजह से, गंदगी की वजह से फट जाते हैं, लेकिन हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट रहते हैं पैरों की अपेक्षा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ जो है वो इतने बुरी तरीके से फट जाता है कि हमें कहीं बाहर जाने में, किसी को दिखाने में, किसी के सामने हाथ मिलाने में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो फ्रेंड्स, प्रायतर हमारे हाथ जो है वो किचन के काम करने में या धूल मिट्टी में काम करने की वजह से ज्यादा फटते हैं। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मेरा हाथ, ये देखिए, किचन में काम करने की वजह से मेरा हाथ जो है इतने बुरी तरीके से खराब हो चुका है। आप लोग देखिए, साबुन की झाज पड़ने की वजह से किचन में और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम हाउसवाइफ को निपटाने पड़ते हैं, घर के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसको करते करते हमारे हाथ जो है वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल ही फट जाते हैं। आप लोग ये देखिए, मेरा हाथ खुद देख सकते हैं कितना खराब हो चुका है। मुझे खुद बहुत बुरा लगता है किसी के सामने जाने में, दिखाने में, किसी से हाथ मिलाने में, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मुलायम और सुंदर हाथ सबको पसंद होता है, लेकिन हमारे हाथ इस तरह से अगर फट जाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा खराब लगने लगता है। जैसे हाउसवाइफ की ही बात नहीं है, कई लड़कियों के, कई लड़कों के, ये मेल फीमेल दोनों में ही होता है। जैसे कि कई बार हमारे हाथ जो है इतने बुरी तरीके से ड्राई हो जाते हैं काम करते करते कि हमें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा लगने लगते हैं दूसरों के सामने दिखाने में, और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम काम ना करें, हमें काम करना ही पड़ता है। तो दूसरों के हाथ को जब हम देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि काश हमारा हाथ भी ऐसे ही होता, मुझे भी ऐसा लगता है। फ्रेंड्स, सब जब मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ गई थी तो उनके हाथ जो थे बिल्कुल ही मुलायम और सुंदर थे, लेकिन मेरे हाथ जो थे बिल्कुल फटे हुए थे। देखिए इस तरीके से इसमें कितनी गंदगियां, मैल घुस चुकी है। तो उसने मुझे बताया कि, तो जब मैंने उनके हाथ को देखा, बिल्कुल ही सॉफ्ट थे, मुलायम थे, वो भी हाउसवाइफ है, लेकिन उनके हैंड जो थे बिल्कुल ही मुलायम थे, वो भी काम करती है, लेकिन उनके हाथ में कोई रैशेज नहीं थे, कोई फटे हुए नहीं थे, उनके उंगलियां जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे था, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा टिप्स रिकमेंड किया, और देखो कि सप्ताह भर में तुम्हारे हाथ जो है कैसे बिल्कुल ही मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो जो टिप्स है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी जिसका प्रयोग करके आप लोगों के जो फटे हाथ है बिल्कुल ही एक सप्ताह में ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग मेरे हैंड को तो देख ही चुके हैं कि कितने ड्राई है, फटे हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को टिप्स बना कर दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है और इसके लिए क्या क्या लगेगा। तो आपको लगेगा इसके लिए मोमबत्तियाँ, ये तो फटी हुई एड़ियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन आपके हैंड को मुलायम बनाने के लिए, फटी हुई क्रैक दरारों को भरने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप मोमबत्ती ले लीजिए और ले लीजिए सरसों का ऑयल, ये देखिए। फिर इस मोमबत्ती को हमें अच्छे से घिस कर सरसों को ऑयल में मिला देना है, अच्छे से घिस लिए हैं। फिर हमें गर्म थोड़ा सा कुनकुना सरसों का ऑयल लेना है, फिर इस ऑयल में इस घिसी हुई मोमबत्तियों को मिला देना है, हमें बारीक घिसना है जैसे बिल्कुल पाउडर की तरह। फिर इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, फिर ये मिक्स हो गया। मिक्स करने के बाद इसे अपने हाथों में अच्छे से लगा लेना है, ये बनकर तैयार हो गया है। फिर इसको हमें हल्के हल्के अपने हाथों में अच्छे से इस तरीके से लगा लेना है। इसको हमें करीबन एक दो सप्ताह तक लगाना है, और इसको एक दिन में 3 से 4 बार लगाना है। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं उसके बाद हम हाथ धोकर थोड़ा सा फ्री हो गए तो इसको लगा लिए। इसको लगाने के बाद भी हम अपना घर का सारा काम कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसको आपको एक दिन में 3 से 4 बार अपने हाथों पर अप्लाई करना है, तो ही आपके हाथ जो है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी अपने हाथों में एक दिन में 3 से 4 बार इस पेस्ट को लगाइए, अपने ड्राई हाथों को मुलायम बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अपने हाथों पर एक सप्ताह में 3 से 4 बार रोजाना लगाई हूँ, तो मेरा हाथ का जो क्रैक है, जो फटी दरार है, वो कैसे भर गया है, मेरा हाथ जो है बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन गया है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि मेरा हाथ कितना मुलायम बन चुका है। तो इसी तरीके से आप भी अपने हाथों पर एक सप्ताह में 3 से 4 बार रोजाना अप्लाई करें, और फिर देखें कि आपके हाथ जो है कैसे सॉफ्ट बन जाएंगे और बिल्कुल ही मुलायम हो जाएंगे, फटे जो दरार क्रैक है वो बिल्कुल ही
भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये नुस्खा जो है बिल्कुल ही आजमाया हुआ असरदार नुस्खा है। उम्मीद करती हूँ आप भी इसे जरूर ट्राई करेंगे, इस फटे हाथ की समस्या से छुटकारा पाएंगे। सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल घरेलू शिक्षक को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकॉन का बटन दिया उसको जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।